अब हम जा रहे हैं कासल के अंदर और आज कासल के अंदर का पूरा टूर करेंगे। कासल का प्राइस 20 pounds पर पर्सन है, मतलब 2000 rupees पर पर्सन, और 12 ईयर तक के चिल्ड्रन के लिए हाफ प्राइस है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको टिकट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वर्थ इट है क्या ये इतना टिकट पे स्पेंड करना। और ये है कासल की एंट्री, या एंट्री से पहले ही वो टिकट चेक करते हैं और फिर एंट्री होती है। अंदर से काफी बड़ा एरिया है कासल में, काफी सारी चीजें हैं और बोर्ड भी लग रहा है कि किस साइड क्या है। हमारी 3:30 की टिकट थी और आज 31 December है, और इवनिंग में कासल में लाइट शो भी है और न्यू ईयर के फायरवर्क्स की इनको प्रिपरेशन भी करनी है। तो आज कासल क्लोज भी जल्दी हो रहा है, तो 4:30 ही क्लोज हो जाएगा, तो सिर्फ 1 hour ही है कासल देखने के लिए। और ये यहाँ पर न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए फायरवर्क्स और सारी लाइट्स रखी हुई है, शायद इवनिंग में डेकोरेट करेंगे। और यहीं से एडिनबर्ग का जो फायरवर्क होगा कासल से ही होगा। आज थोड़ी सनलाइट भी हो रही है इसलिए और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना अच्छा व्यू है। और ये इधर साइड में छोटे छोटे क्वार्टर और घर टाइप बने हुए हैं, इसमें जो भी यहाँ के मैनेजमेंट के और केयर टेकर्स हैं वो सब रहते हैं। कुछ घर तो अभी भी किंग और क्वीन के पास ही है, कभी कभी वो आते हैं यहाँ रहने, तो इसलिए वो क्लोज है। ओके, यस, अदीरा इज द लीडर, चलो लीडर। ये यहाँ आगे जाके एक कॉफी शॉप भी है, इधर से 2 rasta हैं, अब कहाँ जाएं पहले समझ नहीं आ रहा। इधर आगे जाके एक व्यू पॉइंट है, वहां से पूरा एडिनबर्ग सिटी का व्यू दिखता है, तो पहले वहीं चलते हैं। ये देखो पूरा एडिनबर्ग सिटी का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सामने क्रिसमस मार्केट भी दिख रहा है जो पहले वीडियो में दिखाया था। कितने है। और ये नीचे कासल जहाँ से हमने एंट्री करी थी, काफी ऊपर आ गए हम। Houses and buildings we are, and stars and everything, Nika. Because we are so high, like a long big tower. वैसे इस एक व्यू पॉइंट के लिए वर्थ इट है टिकट का प्राइस, काफी अच्छा व्यू आ रहा है, पूरी एडिनबर्ग सिटी दिख रही है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कासल का। ये 500 साल से ज्यादा पुरानी है, इसमें लिखा है प्लीज ट्रीट दिस ग्रैंड ओल्ड लेडी विद सम रिस्पेक्ट। This is the moon, the very big gray moon. Hello, Adira. Hello, Adira. और अब इसमें आगे जाके प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ग्रेट हॉल और रॉयल अपार्टमेंट्स, ये सब चीजें हैं। कासल में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं है, और उसके लिए बहुत लंबी लाइन भी थी। अंदर पूरे स्कॉटलैंड की मोनार्की की हिस्ट्री थी, और अंदर फर्स्ट किंग से लेके अभी लास्ट किंग तक सबके बड़े बड़े स्टैचू भी थे, और अंदर एक बहुत बड़ी रॉयल स्वॉर्ड रखी हुई थी, तलवार थी चांदी की। ये है ग्रेट हॉल, और
इसको इंग्लिश जनरल ओलिवर कॉर्नवेल था जिसने कासल को 1650 में कैप्चर किया था और इस मिडाइवल हॉल को उसने ट्रूप अकोमोडेशन में कन्वर्ट कर दिया था। और जबकि ये उनकी कासल का रॉयल प्लेस था, प्रेस्टिजियस प्लेस था, और इसमें 310 सैनिक उस टाइम रुके थे। तो ये काफी खराब हो गया था। पब्लिक के प्रेशर में आके मिलिट्री को ये ग्रेट हॉल को वापिस सरेंडर करना पड़ा और वैकेंट करना पड़ा। और इसके बाद विक्टोरियन आर्किटेक्ट था एक बेलेंक, उसने वापस इसको रिस्टोर किया 1887 एंड 1892 में। और रिस्टोरेशन के लिए ओरिजिनल ओक रूफ और स्टोन कार्विंग यूज की और इसमें एक ग्रैंड फायरप्लेस भी इंक्लूड किया गया मिडाइवल पोएट्री से इंस्पायर्ड होके। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये पूरा रिफर्बिश्ड ग्रेट हॉल है, जो ओरिजिनल होता था वैसा ही सेम। समाचार हो रहा है, पूरा अंधेरा हो गया, घड़ी सारी सही चल रही है इनकी। ये है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उस टाइम यहाँ रखते थे ऐसे, ये सोने के लिए बेड टाइप सा होता था। और इसमें स्मेल भी वैसी कर रखी है, ऐसे लगता है कि ओरिजिनल अभी भी यहाँ कोई प्रिजनर्स रह रहे होंगे। और ये जो आवाज आपको सुन रही है ये यहाँ स्पीकर लग रहे हैं कि पूरा माहौल बनाने के लिए, कि जैसे वो प्रिजनर्स यहाँ रहते थे तो आपस में बातें करते रहते थे और अनाउंसमेंट होती रहती थी उनके रूल्स की और जो भी। और ये यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं प्रिजनर्स के लिए। और ये यहाँ उनके फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गेम्स है शायद। और ये उनके खाना बनाने की जगह, इसी रूम में सोते थे, यही खाना बनाते थे। अधीरा जो टच मत, टच मत करो, डर्टी अधीरा सब थिंग्स। इधर ये दूसरे टाइप के बेड, लाइट्स कर रहे हैं न्यू ईयर की। और अब हो गए 4:30 और हमें 12 आना पड़ गया। आज आधा घंटा पहले ही क्लोज हो गया कासल, अदरवाइज तो 5 बजे तक टाइम होता है। आज 31 दिसंबर है तो लाइट शो के लिए और न्यू ईयर के लिए थोड़ा जल्दी बंद हो गया, तो हमारे कुछ पार्ट्स रह भी गए कासल के, कभी नेक्स्ट टाइम। ये बोल भी रहे ना कि फायरवर्क की वजह से जल्दी बंद हो गया। और ये रोड के बीच में स्टेज लग रहा है, ये एक स्टेट न्यू ईयर पार्टी थी। अभी तो 5 बजे हैं, ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद रात के लिए। और अभी तो इस रोड पे सब आ जा रहे हैं, शायद 8:30 बजे से पार्टी है, तब ये क्लोज कर देंगे और जिनके पास टिकट होगी सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी इस रोड पर। एंड वी होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय। और आज 2 फरवरी को मेरा बर्थडे है, तो एज ए बर्थडे गिफ्ट प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।